बच्चों, बड़े के बात हमको हमेशा सुनना ही चाहिए, क्योंकि बड़ों अपने लंबे साल में जो कुछ हुआ उस अनुभव को आपसे शेयर करते हैं, उपदेश करते हैं। उस उपदेश पहले कड़वा होगा, फिर तो लाभदायक होगा। हाँ, अगला कहानी सब बच्चों ने सुनना है, ये एक अच्छा कहानी है। भाई, आज हम इस जंगल के पूरब दिशा में चलते हैं। अरे नहीं, वहाँ जाना बहुत खतरा होगा। वो क्यों? दोस्त, वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं। ऐसे वैसे बोलोगे तो हम कैसे जिएंगे? तुम चलो। तुम्हारा पेट काटना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अरे हमें यहाँ पे कौन देख रहा है? अरे उधर देखो, अंगूर के कितने गुच्छे। दोस्त चलो हम खाते हैं। इतने बड़े पेड़ में चढ़ के अंगूर तोड़ना मुझसे ना होगा। तुमको चाहिए तो तुम जाओ। अच्छा, ये कहाँ पे गया? दोस्त, तुम बहुत उदास दिख रहे हो। तुमने अभी तक क्यों नहीं खाया कुछ? ऊपर वाला बहुत दयालु है, उसने ही तो हमें ये दुनिया दिखाई है। बस वो तो यही कर सकते हैं ना, हमारे मुंह में निवाला थोड़ा डाल सकते हैं। वो काम हमें ही करना है। वो क्यों नहीं कर रहे हो तुम? दोस्त, क्या हम उस गाय को पालें? उसके दिए हुए दूध को लेकर हम आराम से जीत सकते हैं। वो तो सही है भाई, ये धंधा तो हमारे बीच में है ना। हाँ तो सबका हमें हिसाब होना चाहिए। अब से जो भी हम खरीदेंगे वो हमारे बीच में बांटा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस गाय को हम आधा कर दें। क्या तुम गाय के दो टुकड़ा करना चाहते हो? ये मर जाएगी ना। भाई ऐसे नहीं, गाय का आधा भाग मेरे लिए, आधा भाग तेरे लिए। वो है कि सर का भाग तेरे लिए और उसके पिछला भाग मेरे लिए। हाँ, और गाय का सर ही तो खाना खाता है, तो गाय को खाना खिलाना तेरा काम है। ठीक है, चारा मैं देता हूँ। हे भगवान, ऐसे बेवकूफ दोस्त को देने के लिए आपको मैं धन्यवाद कह रहा हूँ। भाई, मेरे को जो आधा भाग मिला है उसमें से मैं ये दूध निकाल रहा हूँ, इसलिए ये दूध सिर्फ मेरे लिए ही होगा। जरूर, वैसे ही रहने दो। अच्छा, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये बिछाने के लिए है, और जैसे मैंने पहले बताया था, ये हम दोनों के बीच में अच्छे से बांटा जाएगा। अगर इसको हमने दो में काटा तो ये हम दोनों नहीं काम ले सकते, इसलिए हम एक काम करते हैं, पूरा दिन ये तुम रखो और रात को ये मैं रखूंगा। इस पे पूरी तरह से विश्वास करना ठीक नहीं होगा। तो एक काम करते हैं। आज तुम इस गोबर पे सोके तो देखो। छे, इसमें तो पूरा गोबर है, मैं कैसे सोऊंगा? दिन के समय ये चादर मेरा है, इसके साथ मैं जो भी कुछ करूं उसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। शायद इसको सब पता चल चुका है। भाई मुझे माफ कर दो, तुम्हारे जैसा एक अच्छा दोस्त को मुझे कभी धोखा नहीं देना चाहिए था। मैंने हमेशा तुम्हें अपना ही माना है, इसलिए मैंने तुम पर पूरा भरोसा किया। अभी जो भी मैंने कुछ किया, तुम्हारी गलती पे तुम्हें एहसास हो इसीलिए।
अरे वहाँ देखो, वहाँ केला उग रहा है ना। हाँ चलो हम वहाँ चलते हैं। वाह कितना सुंदर लग रहा है। ईश्वर ने ही ये रास्ता दिखाया है। हम कुछ दिन यहीं रहते हैं ना। उसकी जरूरत नहीं, हम ये केला लेकर घर क्यों नहीं चले जाते, क्या कहते हो? कौन है रे? अरे शायद मालिक आ गया है। मेरा सालों का मेहनत नष्ट हो गया। भगवान ये मेरा पूरे जिंदगी का मेहनत था, इन दुष्ट सबको नष्ट।